हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल शेखावत मोडिफायर। सो गाइज, आज की वीडियो में 100 वोट के पुलिस सायरन का रिव्यू करेंगे जो कि हम अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग अगर मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियो सायरन को लेके बनाए, लगभग मैंने हर एक सायरन को जो है कवर किया है। बाइक में आपको कोई भी किसी भी तरह का सायरन यूज़ करना है तो आपको दिखा दिया मैंने रिव्यू करके। तो आज के वीडियो में वायरलेस रिमोट से चलने वाले सायरन का रिव्यू करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सायरन है 100 वोट का है, तो सुपर लाउड सायरन रहने वाला है। सेकेंडली, ये वायरलेस रिमोट के साथ चलने वाला है और इसका जो डिज़ाइन और जो साइज़ है वो बहुत ही कम्पैक्ट है। जैसे कि पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर जो है DC 12 वोल्ट से चलता ही है और 100 वोट तक का आउटपुट आपको देता है। तो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है ये 100 वोट के रिगार्डिंग। सो आपको जो है मेनली ये हॉर्न जो है गाड़ी में देखने को मिला होगा हमेशा से, लेकिन आज हम इसे बाइक में इंस्टॉल करेंगे। और आपको मैं क्लियरली बता दूँ, ये जो हॉर्न है इजीली आप किसी भी टू व्हीलर में यूज़ कर सकते हो। इसका आपको बैटरी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि इनकी जो सर्किट होती है उसमें ऑलरेडी रिले इनबिल्ट होती है, तो इसमें बैटरी से कोई भी इशू नहीं आ सकता। सो ये चीज़ मैं क्लियर आपको बता दूँ। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर जो ये सायरन है, इसके रिमोट में आपको 4 बटन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर जो ट्यून है वो कम से कम इसमें 7 से 8 ट्यून अलग अलग मिलती है। तो एक बटन में डिफरेंट 2 ट्यून दी गई है। जो ऊपर का बटन है A और C, उसके ऊपर आपको एक एक ट्यून मिलेगी, नीचे के बटन में 2-2 ट्यून मिलेगी। तो 6 ट्यून एक अलग से मिलती है और 2 ट्यून अलग से इसके अंदर मिलती है। और इसकी जो रिमोट रेंज है वो 10 मीटर की है, तो आप 10 मीटर दूर से इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हो। और आपको ये चीज़ भी मैं क्लियरली बता दूँ, बाइक और स्कूटी में आप किसी में भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। साइज़ बिल्कुल कम्पैक्ट है। अगर आपके पास कोई हैवी स्कूटी या फिर आपकी हैवी बाइक है तो आप इसको बॉडी के अंदर कहीं भी छुपा सकते हो। सो गाइस, स्प्लेंडर के अंदर आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है इसे छुपाने के लिए, तो आप इसको जो है ओपन में ही यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इसे दिखाने का मेरा यही मकसद रहेगा, आपको इसकी मैं वर्किंग दिखा दूंगा और आपको जो है आवाज़ चेक करवा दूंगा। बाकी स्प्लेंडर में आप इसको कहीं छुपा के इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको जो है ओपन एरिया में ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई और बाइक या स्कूटी है तो आप इसे छुपा के इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में जो है मैं बैक साइड की ग्रिल सेट की जगह इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहीं पे मेरे को जो है ये जगह थोड़ी ठीक लगी, यहाँ पर इसे इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। और इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें जो जो चीज़ चाहिएगी वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ। आपको जो एक्सटेंड करने के लिए वायर चाहिएगी, और वायरिंग के कनेक्शन इसमें सिंपल 2 ही दिए गए हैं, रेड एंड ब्लैक। तो रेड आपको स्विच में लगाना है, जो कि ऑलरेडी अपने पास एक एक्स्ट्रा स्विच मेरी बाइक में हमेशा रहता है। ब्लैक आपको कहीं भी बॉडी पर अर्थ कर दे रहे हैं तो उसका कोई चक्कर नहीं है। तो आपको थोड़ी सी वायरिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये आपको एक काम की चीज़ दिखा दूँ, तो ये हीट श्रिंक ट्यूब है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप अपनी बाइक में किसी भी तरह का काम करते हो तो। बाकी आपको एक 10 नंबर की चाबी और एक लाइटर चाहिएगा, लाइटर का यूज़ भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये जो ट्यूब है इसको काटने के लिए सीजर चाहिएगा। सो ये ट्यूब काफ़ी अच्छी है अगर आप अपनी बाइक में जो है कटिंग वगैरह काम करते हो। सो गाइस, आप चाहो तो इस हिस्से पर जो है सायरन को इंस्टॉल कर सकते हो। सायरन के क्लैंप में आपको जो है 3 जगह जो है होल देखने को मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से 10 नंबर के नट में इसको कहीं भी फिक्स कर सकते हो। लेकिन इस जगह पे आप देख सकते हैं गियर लगाने में प्रॉब्लम होने वाली है। सो मैंने इसको जो है यहाँ पीछे की तरफ ग्रिल में इंस्टॉल कर दिया, तो यहाँ पर मैंने जो है इसको पत्ती और एक बोल्ट की मदद से जो है कस दिया है, तो यहाँ पर ये हिलने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट अभी इसकी जो है कनेक्शन की बात करते हैं। सो कनेक्शन के अंदर आपको जो है हीट श्रिंक ट्यूब का क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूँ। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये किस तरह से आपके काम में आने वाली है। तो आप इसका जो है छोटा सा टुकड़ा कुछ इस तरह से काट लीजिए, और आप जिस भी वायर के अंदर जॉइंट करने वाले हैं उस वायर के अंदर इसको कुछ इस तरह से डाल दीजिए। तो इसके बाद आपको जैसे भी जॉइंट करना है वैसे अपना जॉइंट लगा दीजिए, और उसके बाद इस ट्यूब को जो है जॉइंट के ऊपर कवर करके इसको जो है लाइटर की मदद से हीट करिए। जैसे आप इसको हीट करेंगे ये जो ट्यूब है श्रिंक हो जाएगी और ये बिल्कुल चिपक जाएगी। सो इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ, ये प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका बेनिफिट यही है, आपका एक तो टाइम बचता है, सेकंड आपको टेप लगाने की जरूरत नहीं है, और हर जगह जो है टेप का यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता बाइक के अंदर, तो वहाँ पर ये जो है अच्छे से काम करने वाली है। एंड गाइस, ये जो है बहुत ही सस्ती आती है, लगभग 10 मीटर आपको 150 से 200 के अंदर मिल जाएगी। सो अगर आपको ये बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको अमेजोन लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं।
सो फाइनली अभी वायरिंग कनेक्शन मैंने कर दिया है, तो आपको मैं दिखा दूँ वायरिंग कुछ इस तरह से मैंने वाइजर के नीचे से डाल के जो है इधर ला कर रख के छोड़ दिया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फिटिंग की गई है, अर्थ मैंने यहाँ पे ऐसे ही टेम्परेरी कर दिया क्योंकि मुझे इसे परमानेंट फिक्स नहीं करना है। और रेड वायर कनेक्शन इस स्विच के अंदर है, तो स्विच मैंने ये वाला इंस्टॉल किया है। तो जैसे मैं अपने इग्निशन स्विच को ऑन करूँगा उसके बाद इस बटन को ऑन करते हमारा साइरन काम करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको जो है साइरन के रिमोट से इसे चलाना है। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, इस तरह का सायरन अगर आप नॉर्मल बंदे यूज करते हो तो पुलिस आपका चलान काट सकती है, तो आप अपने रिस्क पे से यूज करें। सो गाइस एक्चुअली आप अब स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं जो रोड पे आया हूं, तो एक्चुअली मैं वीडियो यहां बाहर ही बनाने वाला था, लेकिन मेरे साथ सीन क्या हुआ कि यहां से 500 मीटर की दूरी पे जो एक पुलिस चौकी है, तो मैंने दो ट्यून बजा के रिकॉर्ड किया ही था कि पीछे से जो है हमें सायरन की आवाज आनी स्टार्ट हो गई थी, और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो PCR हमारी तरफ आ रही थी, तो हमने फटाफट जो है वहाँ से जाने में समझदारी समझी, तो वहाँ पर मैं वीडियो को जो है ऑन द रोड नहीं बना पाया। तो उसके अलावा मैंने जो एक शॉप पर खड़ी करके आपके लिए वीडियो बना दी थी, वो आप देख चुके हैं, सो वहाँ पे भी आप सुन सकते हैं। शॉप वाला मुझे बार बार कह रहा था कि यहाँ मत बजाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड है, पूरा 100 वोट अगर आप कहीं खुले एरिया में बजाते हो तो बहुत ज़्यादा लाउडनेस आपको देखने को मिलती है। सो गाइस इस सायरन का जो प्राइस रेंज है वो लगभग है 1200 रुपये, 1200 रुपये का 100 वोट का सायरन आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको 7 ट्यून लगभग अलग अलग मिल जाएगी, और इसका जो रिमोट है वो 10 मीटर तक काम करता है। और अगर आप इसको जो परचेज़ करना चाहते हैं अमेजोन का लिंक अगर मुझे मिला तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक के अंदर आप चेकआउट कर लेना। अगर आप पर्सनली मुझसे डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं तो कुरियर के थ्रू आपको जो है डिलीवरी मिल जाएगी, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, या आपको स्क्रीन पे भी व्हाट्सअप नंबर शो हो जाएगा, सीधा आप मुझे फ़ोन करके आप मेरे को जो है व्हाट्सअप करके मेरे से ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लेके अगर आपका कोई भी कमेंट एंड सजेशन है तो कमेंट कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।